नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले वीडियो में हमारे चौथे प्रश्न तक किया था। अब हमारा पांचवा प्रश्न है कि समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। यहाँ पर हमें जो आखा बॉक्स दिया गया है, वो बॉक्स में से हमें समानार्थी शब्द यानी कि जो भी शब्द इसमें से बनता है वो सारे शब्द हमें यहाँ पर बनाने हैं, और ये शब्द बनाकर हमें इसके जोड़ बनानी है और घेरा बनाना है। यानी कि ऐसे हम जो भी शब्द कोष्टक में बनाते हैं उसको ऐसे ही करना है। यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, देखिए तो आप सब लोग, ये शब्द हमें दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा है कौन से है? लोक, मान, निशान, हाथ और अंबर। ये जो पांच शब्द है, ये पांच शब्द के समानार्थी शब्द इसमें से हमें ढूंढना है और इसके घेरे हमको बनाने हैं। तो पहला शब्द है लोक, तो लोक का समानार्थी क्या होगा? लोक का समानार्थी हमें इसमें से ढूंढना है और उस पर घेरा बनाना है। तो लोक का समानार्थी क्या होगा? लोक का समानार्थी है विश्व। क्या है? विश्व, जो यह सबसे पहले ही बनता है। आप लोग बनाइए ये विश्व, लोक यानी कि विश्व, जगत, विश्व, सबसे पहले यहाँ पर घेरा बनाइए। फिर दूसरा शब्द कौन सा है लोक का समानार्थी? एक तो विश्व बना, दूसरा क्या है? दुनिया। क्या है? दुनिया। तो यहाँ पर दुनिया क्या है? यहाँ पर देखिए ए वाला दुनिया, तो यहाँ पर घेरा बनाइए दुनिया शब्द पर। ये दूसरा लोक का दूसरा समानार्थी शब्द है दुनिया, बनाया। अब हमारा दूसरा शब्द था मान। क्या था? मान। तो उसका समानार्थी कहाँ पर है? मान का समानार्थी होता है सम्मान, तो उसका समानार्थी शब्द यहाँ पर देखिए ये बना सम्मान। यहाँ पे घेरा बनाइए सम्मान शब्द पर। फिर मान का दूसरा समानार्थी शब्द कौन सा बनेगा? प्रतिष्ठा। क्या बनेगा? प्रतिष्ठा। तो ढूंढिए प्रतिष्ठा शब्द कहाँ पर बनता है? ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरा बनाइए, मान का दूसरा समानार्थी शब्द है प्रतिष्ठा। मान का दूसरा समानार्थी शब्द है प्रतिष्ठा। एक हुआ सम्मान और दूसरा हुआ प्रतिष्ठा। फिर तीसरा शब्द था निशान, तो निशान का समानार्थी शब्द क्या होगा? संज्ञा। हाँ, तो निशान का समानार्थी शब्द है संज्ञा। तो देखिए यहाँ पर बनता है संज्ञा शब्द, यहाँ पर घेरा बनाइए संज्ञा शब्द पर। फिर दूसरा निशान का समानार्थी शब्द क्या है? चिन्ह। क्या है? चिन्ह। तो ये देखिए यहाँ पर बनता है चिन्ह, चलिए यहाँ पर घेरा बनाइए चिन्ह शब्द पर। तो निशान का दो समानार्थी शब्द हुआ संज्ञा और चिन्ह, ठीक है। अब चौथा है शब्द है हाथ। क्या है? हाथ। तो हाथ का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक तो हस्त, देखिए यहाँ पर बनता है हस्त शब्द, आप यहाँ पे बनाइए हस्त। हाथ का समानार्थी है हस्त। और दूसरा शब्द है पानी, हिंदी में भी उसको समानार्थी शब्द है पानी। हाथ का पहला शब्द हुआ हस्त और दूसरा शब्द हुआ पानी, ये हाथ के दो समानार्थी शब्द है। फिर है अंबर, तो अंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा? हाँ, क्या होगा? आसमान। क्या होगा? आसमान। तो देखिए यहाँ पर बनता है आसमान, देखिए ये आसमान पर बनाइए अंबर का आसमान समानार्थी। दूसरा बनता है गगन। क्या बनता है? गगन। तो ये गगन पर बनाइए। और तीसरा भी बनता है आकाश। क्या बनता है? आकाश। तो आप तीनों पर ऐसे घेरे बनाइए आकाश। और भी एक बनेगा अंबर का नभ। क्या बनेगा? नभ। न ग नभ यानी भी आकाश। तो अंबर के कितने समानार्थी शब्द हुए? चार, एक तो आसमान, एक गगन, एक आकाश और एक नभ, ये चार उसके समानार्थी शब्द हुए, बने ना चार समानार्थी शब्द। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो आपने यहाँ पर घेरे बनाकर सबके समानार्थी शब्द में घेरे बनाए वही समानार्थी शब्द अब आपको यहाँ पर
लिखना है। तो देखिए लोक का समानार्थी आपने यहाँ पर बनाया था विश्व और दुनिया, विश्व और दुनिया। फिर दूसरा है मान, तो मान का समानार्थी था सम्मान और प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रतिष्ठा। फिर निशान का समानार्थी था संज्ञा और चिन्ह, आप यहाँ पर लिखिएगा सम्मान और चिन्ह। फिर हाथ का समानार्थी हस्त और पानी, हाथ का समानार्थी है हस्त और पानी। फिर अंबर, अंबर का समानार्थी है आसमान और गगन। यहाँ पर दो ही दिए गए हैं, तो अब दो दो में से आपने हमें अभी हमने कितने समानार्थी शब्द अंबर के बनाए थे, चार। तो आपको जो भी शब्द लिखना हो वो दो शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आसमान गगन नब और आकाश में से आपको जो भी दो शब्द यहाँ पर समानार्थी लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लिख लिया सबने, एक बार फिर से देखिए लोक का समानार्थी विश्व दुनिया, मान का समानार्थी सम्मान प्रतिष्ठा, निशान का समानार्थी संज्ञा चिन्ह, हाथ का समानार्थी हस्त पाणी और अंबर का समानार्थी आसमान और गगन। सबने लिख लिया, थैंक यू।